जी संतों के मार्गदर्शन में पूरे समस्त सनातनी समाज को जोड़ने का यह अद्वितीय यात्रा है। ऐसी यात्राएं जब जब समाज को आवश्यकता पड़ी संत समाज ने ऐसी यात्रा का दिशा निर्देश किया, चाहे वह समाज को जोड़ने की हर गहराई में जाकर के संतों ने कार्य किया है। आज संत समाज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से समस्त सनातनी समाज से यह अपील करता है कि सब इस यात्रा से जुड़े और इस यात्रा में जुड़ करके अपने हिंदुत्व को जगाए, अपने स्वाभिमान को जगाए। हमारे मान बिंदुओं पर जो आए दिन धारावाहिक हो रहा है, छत्तीसगढ़ की धरा पर आए दिन धर्मांतरण मतांतरण के जो खेल चल रहे हैं, जो कुचक चल रहे हैं, हमारी बहनों बेटियों के साथ जो लव विहार की घटनाएं बढ़ी है, इन सब के लिए जागृति लाना है। और इन्हीं जागृति लाने के लिए यह यात्रा जो है निकाली जा रही है। समाज में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। मम इच्छा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, यह हमारा ध्येय वाक्य है जो संत समाज ने उड़ुपी कर्नाटक की सभा में ध्येय वाक्य को ग्रहण किया था, इस ध्येय वाक्य को धारण किया था। उसी ध्येय वाक्य के आधार पर सारे समाज को जोड़ने के लिए सारे संत जो है एकत्रित हो रहे हैं और सारे समाज की रक्षा के लिए, सारे समाज को सनातनियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए यह यात्रा की जा रही है। 19 मार्च को छत्तीसगढ़ की राजधानी भगवान राम का निहाल माँ कौशल्या की जन्मभूमि और रायपुर महानगर, इस महानगर में विराट हिंदू सम्मेलन होगा और उस विराट हिंदू सम्मेलन में पूरे देश भर के संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से, समस्त सनातनी समाज से मैं अपील करता हूँ कि संतों के मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप सब लोग 19 मार्च को उपस्थित होंगे सारे कार्य छोड़ करके। और क्योंकि जब हम रहेंगे तब हमारा समाज रहेगा और समाज रहेगा तो देश बचेगा। जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बचा है। हिंदुओं के आन पान और शान को, हमारे मान बिंदुओं को जो चलने का उचक चल रहा है, उसके लिए जागृति लानी आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जते जिला केंद्र है और जहां जहां रात्रि विश्राम है, पड़ाव क्षेत्र में जिन अपन पत्रक में दे हैं कि 27 दिन यात्रा चलने वाला है, तो 27 दिन में 27 रात्रि विश्राम के साथ दोपहर में और रात्रि में धर्म सभा या ऐसे सत्संग के कार्यक्रम।